काली काली महाकाली काली के पाप हारणी धर्मार्थ मोक्षये देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ काली। माँ काली शिला का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उखी मठ से 10 किलोमीटर दूर मधमेश्वर मार्ग पर स्थित है ग्राम रावलैंक। रावलैंक से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के उपरांत माँ काली शिला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूरी महज 4 किलोमीटर होने के उपरांत भी यह मार्ग अत्यंत जटिल सा प्रतीत होता है। चीड़ के वृक्षों से लदा यह वन एवं चौखंबा का मनमोहक दृश्य शिथिल शरीर में भी भरपूर ऊर्जा का संचारण करता है। इस स्थान पर माँ काली की पूजा एक शिला के रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर रक्त बीज शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने माँ भगवती की तपस्या की। तदोपरांत असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा काली शिला में 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं कालीमठ मंदिर के समीप माँ ने रक्त बीज का संहार किया। उसका रक्त जमीन पर ना पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू किया। जब महाकाली शांत न हुई तो भगवान शिव माँ के चरणों के नीचे लेट गए। इसके उपरांत माँ शांत होकर एक कुंड में अंतर ध्यान हो गई। यह कुंड आज भी एक श्री यंत्र से ढका रहता है जो कि शरदीय नवरात्रों में मात्र अष्टमी को खोला जाता है। कालीमठ पहुंचने के लिए मार्ग मुख्यतः गुप्त काशी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे भारतवर्ष में कालीमठ ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर महाकाली श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। कालीमठ से ब्यूखी होते हुए एक अन्य रास्ता हमें कालीशिला पहुंचाता है जिसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है। कालीशिला में स्थित 64 यंत्रों से ही माँ काली ने चंड मुंड का वध किया। चंड मुंड राक्षसों के नाम पर ही उखी मठ में 2 गांवों का नाम चुन्नी और मंगोली है। देवी काली के पैरों के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। भक्ति की शक्ति से ही प्रेरित होकर मोह माया का जीवन त्याग कर आश्रम में निवास करते हैं 100 वर्षीय बाबा जी हैं जो कि बाबा बरखागिरी के नाम से जाने जाते हैं एवं जर्मन मूल की माई माँ सरस्वती गिरी। सभी शक्तिपीठों में अतुलनीय है यह कालीशिला।